हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ को करते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस स्टडी जो हमारी हम करने वाले हैं वो इस तरह से है, ठीक है। तो इस केस स्टडी ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की केस स्टडी अब हम इस चैनल पर लेकर आएंगे आपके लिए। तो ये केस स्टडी देखिए, इन अ GPS द लाइन्स दैट रन ईस्ट वेस्ट नोन एंड द लाइन लैटिट्यूड। देखो, आपको ये जो दे रखा है ना पैसेज, ये मतलब मैप में दे रखा है, ठीक है। और मैप में आपको लखनऊ, फिर पूरी, फिर भुज और ये उत्तर प्रदेश और ये नासिक, इनकी लोकेशंस बताई गई हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से है वो देख लेते हैं। इसमें डायग्राम भी दे रखा है आपको केस स्टडी में, इस तरह से देखो, इस तरह से आपको ये डायग्राम दे रखा है। तो इस डायग्राम में आपको देखो, ये वैसे केस स्टडी किस पर बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, जो आपका चैप्टर है ना कोऑर्डिनेट, उस पर। अब देखो, जैसे बी है, ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे। अभी इसमें बी के कोऑर्डिनेट ये वाई एक्सिस पर तो 7 है, लेकिन एक्स पर तो 0 है। देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसमें एक्स एक्सिस पर तो ये 0.7, ये बी के कोऑर्डिनेट है। एन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसी तरह, देखो 6 और ये कितना है यहाँ से 2, तो 2 तो x एक्सिस पर है और y एक्सिस पर कितना है, देखो यहाँ पर 6, इसके 2.6 हो जाएंगे। अब p के कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ से ये 8 है, यानी कि x का 8 हो गया और y का कितना है, यहाँ से ये 6 है, ओके, ये 6 हो गया, ठीक है। अब l का देखते हैं, l का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से कितना है इसका, देखो सीधा जाइए 5, ओके, और इसका y एक्सिस से कितना है 10 है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे वो क्या है, 0.7। उसके बाद हमारे पास एन के कोऑर्डिनेट्स है 2.6। इसके बाद हमारे पी के कोऑर्डिनेट है 8.6, ओके, और इसके बाद हमारे पास एल का कोऑर्डिनेट है 5.10। इस तरह से 4 लोकेशन के कोऑर्डिनेट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसने, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज, ठीक है। लखनऊ और भुज की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो लखनऊ का कौन सा है, देखो ये रहा लखनऊ वाला एल, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी एल, ठीक है, लखनऊ एल, लखनऊ टू भुज ये वाला, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लगा दूँ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, 5 - 0 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस 10 - 7 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। तो ये कितना आया मेरे पास, 34, रूट 34 यूनिट्स, इसका तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड देखो, ये मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, इफ़ कोटा इंटरनली डिवाइडेड द लाइन जो सेगमेंट जॉइनिंग लखनऊ टू भुज, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये लखनऊ का है इधर और ये भुज का है, बी का, एल के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5.10, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट, भुज के कोऑर्डिनेट क्या है, 0.7। अब ये बोल रहा है देखो 7 ये, ठीक है, ऐसे, अब ये बोला कोटा यानी कि के कोटा, ये कोटा इसको इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है, लखनऊ को और भुज को इंटरनली डिवाइड करता है इनटू 3:2 में, ठीक है। देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा, कोटा के कोऑर्डिनेट निकालने x, y, ऐसे निकालने। अब आपको x पता है क्या होता है, देखो ये वाला ये होता है फॉर्मूला कैपिटल x बराबर, अगर मैं इसको m1 मानता हूँ, इसको m2 मानता हूँ, ठीक है, तो m1x2 प्लस m2x1 और ये x1 ये वाले हो जाएंगे x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। और कैपिटल Y क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से आपको इसमें रख दीजिए आप, ठीक है। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, कैपिटल X आ जाएगा आपका m1 और ये 3:0 मतलब 0 प्लस 2:5 यानी कि 10 और 3+2 यानी कि 5, 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा, x की वैल्यू तो 2 आ गई। इसके बाद देखो y की वैल्यू निकालते हैं, 3:7 तो 21 प्लस 2:10 यानी कि 20 और अपॉन 5 तो
तो ये कितना हो जाएगा 41/5। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है हमारी और y की वैल्यू 41/5। इस तरह से ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोटा के कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या है। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेस लखनऊ। ठीक है, ये हम एक बार कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 8, ये 6 था। ठीक है, P का क्या था 8 और ये 6, और L का लखनऊ का हमारे कितना था 5, 10, ये लखनऊ का था। ठीक है, अब देखो हमसे क्या निकलवा रहा है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेस लखनऊ। जैसे लखनऊ L मान लिया, लखनऊ टू भुज ये लखनऊ, और नासिक ये नासिक मान लिया, एंड पुरी ये पुरी मान लिया, ऐसे मान लिया, सपोज करा ऐसे मान लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने मान लिया लखनऊ के कोऑर्डिनेट 5, 10 है, ओके, और पुरी ये नासिक के कोऑर्डिनेट है 2, 6। ठीक है, और पुरी के कोऑर्डिनेट क्या है 8, 6। अब देखो अब क्या करेंगे, ये लखनऊ है। ठीक है, अब देखो इसकी डिस्टेंस निकालो आप। अगर इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो 5 तो मैं डायरेक्ट निकाल दूँ। देखो क्या होगा, लखनऊ से अगर नासिक की मैं डिस्टेंस निकालूँ तो 5-2 यानी कि 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये रूट के अंदर चलेगा सब कुछ, प्लस 10-6 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आया 16 और 4 √25 मतलब 5 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना आया 5 यूनिट। ओके, अब लखनऊ टू ये पूरी इसकी डिस्टेंस है 8-5 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 6-10-4 -4 का स्क्वायर 16, तो ये भी 25 है। 25 का रूट कितना होता है 5, तो ये भी 5 आ रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं नासिक टू पूरी, तो 8-2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस और 6-6 0, 36 का क्या होता है रूट 6 होता है। ये सिंपली हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो जिस ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होती है और तीसरी साइड इनके अनइक्वल होती है मतलब बराबर नहीं होती, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। फिर देखिए इसके और में जो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड अ प्लेस ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट लखनऊ एंड पुरी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं हम। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है, कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई क्यू पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये आपका लखनऊ हो गया, ये आपका पुरी हो गया। लखनऊ के कोऑर्डिनेट 5, 10 है और पुरी के कोऑर्डिनेट क्या है 8, 6। ओके, अब देखो इसने क्या दे रखा, फाइंड अ प्लेस पॉइंट ऑन द लॉन्गिट्यूडनल वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ना जो हमने लेट करा है क्यू, ये वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस का मतलब एक्स तो जीरो होगा वहाँ पे कोऑर्डिनेट, और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है। ओके, और विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एल एंड क्यू, मतलब ये जो पॉइंट होगा ना वाई एक्सिस पर, ये क्यू पॉइंट होगा, उसकी डिस्टेंस एल से लखनऊ से और उसकी डिस्टेंस पूरी से बराबर होगी। तो अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, तो अब मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्यू एल अगर लगाओगे, क्यू एल की डिस्टेंस किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर। ठीक है, अब क्यू एल बराबर क्या आता है, मतलब रूट में अंडर रूट। ठीक है, 5-0 यानी कि 5 का स्क्वायर 25। ओके, 10-y का स्क्वायर प्लस 10-y का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे इसके, देखो 8-0 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, प्लस 6-y का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6-y का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 25 और ये a-b का होल स्क्वायर से खुल जाएगा, तो मैं लिखूँगा 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2ab यानी कि 20y ये किसके बराबर है, 64 प्लस, अभी इसका a-b का होल स्क्वायर खोल दीजिए 6-y का, तो ये ए स्क्वायर यानी कि 36 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा 2ab यानी कि 6 × 12 12y। ओके, अब देखो अब इसमें से वाई स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इसको यहाँ पर लिया ना, माइनस का हो जाएगा ये प्लस का है तो कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो
उसके बाद हम क्या करते हैं, सभी को यहाँ पर ले, ये वाली टर्मिनल सारी इधर ले चलते हैं। तो देखिए क्या होगा इसके बाद, तो देखते हैं हम। तो देखिए 25, देखो ये तो 125 हो जाएगा, 25 प्लस 100 125, माइनस का 20y, ठीक है। और ये इधर लेकर आएंगे इसको, तो 6 और 4 10, ये तो आप, ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, माइनस का 100 इधर लेकर आएंगे तो, ठीक है। और ये माइनस का 12y इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 12y, ठीक है। और इक्वल्स टू में 0, सब यहाँ पर लिया है ना हम। अब 125 में से 100 गए तो कितने बचे, 25, ठीक है। माइनस 20y में से 12y गए तो माइनस का 8y बचेगा, ठीक है। ये इक्वल्स टू 0, तो 25 देखो माइनस का 8y और 20y को यहाँ ले जाइए तो माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 25/8, ठीक है। तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हुए इसके, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मैंने माना था ना, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू ये ऐसे, तो यहाँ पे 0, y की वैल्यू ये लिख देना 25/8। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये केस स्टडी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसी तरह की केस स्टडी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स इसी तरह की केस स्टडी की मिलती रहे। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।